सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर भले ही लाखों लोग प्यार बरसा रहे हों, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए अवैध तरीके से भारत आई है। और यही वजह है कि सीमा हैदर ने लगातार भारतीयों की परेशानी को बढ़ाया हुआ है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल सीमा के जरिए जिस तरह से भारत में सीमा हैदर ने एंट्री ली, उसी तरीके से दो चीनी नागरिकों ने भी एंट्री ली और उनको बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों का मकसद क्या था ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों को शक है कि जासूसी के लिए ये दोनों भारत में दाखिल हो रहे थे। बता दें, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मई में बिना वीजा के नेपाल सीमा के रास्ते चालाकी से भारत में आई थी। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से ये दो चीनी नागरिक अवैध तरीके से भारत में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है बिहार के रक्सौल से। बता दें, भारत नेपाल के बॉर्डर पर अब सख्ती से चेकिंग भी हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस मकसद से ये दोनों भारत में एंट्री ले रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों के पास वैध वीजा नहीं था। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इस शख्स का नाम झाओ जिंग बताया गया है, जबकि एक और दूसरा शख्स जो इसके साथ मिला है उसका नाम फू कोंग बताया गया है। और इन सब की उम्र ज्यादा नहीं है, बल्कि 30 से 32 साल इन दोनों की उम्र बताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि कैसे अवैध तरीके से भारत में एंट्री लेने के बाद ये बिहार तक पहुंचे और उसके बाद इनका प्लान क्या था। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो सीमा हैदर को माना जा रहा है, क्योंकि सीमा हैदर के आने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर सीमा इस तरह से आ सकती है तो फिर तो कोई भी भारत में घुस सकता है, सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए भारत सरकार सीमा पर कोई ना कोई तगड़ा एक्शन जरूर ले सकती है, इस तरह की खबरें हैं। आपको बता दें, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी इस पर बयान दिया था और कहा था कि कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। सुनिए अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा था। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अरिंदम बागची ने क्या कहा ये तो आपने सुना, अब चलिए आपको सीमा का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने UPATS से पूछताछ के तुरंत बाद दिया था। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर उसने लिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है, अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान, आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, हाँ, सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो ज़ाहिर है खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, दो मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने दो साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यहीं, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।
तो देखा आपने किस तरह से हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन इन सबके बीच भारत में सीमा का रहना भारतीयों के लिए कितना सुरक्षित है ये बड़ा सवाल है, और इसीलिए बार बार सवाल उठने लाजमी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अरे सुनो तो सच में पबजी चला रहा था? चला भी। तो और ये भी पाकिस्तान से ले आया बहू? तो ए पता ना ले आन दो। तुम्हें भाभी अच्छी लगी इस मॉल? ए लगी, स्वागत कर देंगे। मौसी 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 तुम्हारी क्या लगी, भाभी लगी मौसी लगी क्या लगी? मौसी मौसी कैसे लगी? जब जो इनके जो बोलो माई भी लगी वैसे मौसी भी लगी। अच्छा अच्छी लगी? खाना वाना खाया उनके हाथ का? बात की उन्होंने? करी की। कैसी लगी? अच्छी। प्यार व्यार किया अच्छे से कि भाई बच्चा है छोटा सा? अच्छा तुम कौन सी क्लास में हो? बारहवीं में। बारहवीं में? बारहवीं में हो तुम? तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। बारहवीं में? ये बताओ कौन सी क्लास में हो? फाइव। फाइव में हो। मोदी को जानते हो? कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, और योगी? मुख्यमंत्री। अब मान लो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह दें कि नहीं सीमा यहाँ नहीं रहेगी, वापस पाकिस्तान जाएगी, कह देंगे? कह दे तो ऐसा ना कह कर लड़ जाओगे भाभी के लिए मौसी के लिए? ऐसा ना। अच्छा तुम बड़े होके क्या बनोगे? हम क्या बनना चाहते हो? कौन सा गर्ल हो कह रहे हैं बदमाश कह रहे हैं? तुम वायरल होगे, तो हीरो बनेंगे। हीरो बनोगे? सनी देओल बनोगे क्या? हाँ। अच्छा पाकिस्तान जाओगे? हाँ। बहू लाओगे? एक लाएंगे हम भी। एक तुम कहाँ से लाओगे? सन 2024 में नाम कर देंगे। छोड़ दो। ये बताओ कि तुम कौन से देश से बहू लाओगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कुछ खास है क्या? भारत में नहीं है लड़कियाँ? पाकिस्तान के यहाँ वाले लंगे। अच्छा। यहाँ जाएंगे दामाद बनोगे पाकिस्तान? हाँ। सुंदर लगती है क्या वहाँ की लड़की? हाँ। देखिए। हाँ। वो लड़की देखी थी मेरा दिल ये पुकारे आजा की एक रील वायरल हुई थी? हाँ देखी। देखी थी? अच्छी लगी थी? हाँ। अच्छा लव मैरिज करोगे क्या? अरेंज मैरिज? शादी करेंगे। हाँ, भाई, भाई, माँ बाप की मर्जी से करोगे कि खुद की मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी ते भी, माँ बाप की ते भी। और माँ बाप ना माने तो? ना मानेंगे। मानेंगे, मना लोगे? कौन सी क्लास में हो? सिक्स। सिक्स में हो? पास में ही स्कूल है? नहीं, गांधी। अच्छा, तो जैसे पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से तो सुना होगा ना हम इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा से लड़ाई सी रहती है, वहाँ से भाभी आ गई तो लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, नहीं 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 लगा। प्यारी लगी? प्यारी लगी, प्यारी लगी, बहुत प्यारी।